Once again, a very sweet good morning to all of you. And as you know, this is the live class from Surat School Balana, which are being represented by Excellent Department of English Linguist. Yesterday we had learned something in our baby concept. Though this is a baby class, first to fifth class students, they can learn easily and in very, you know, easy manner, in a very simple manner, simple way, how to speak in English, how to communicate in English. As it was told yesterday that how to demand for others, दूसरों के लिए demand कैसे करते हैं, किसी चीज़ की demand कैसे करते हैं, क्योंकि हमने सीखा था कि demand कैसे करते हैं, demand के लिए हमारे पास एक key था, it was, क्या था हमारे पास demand के लिए क्या use करते हैं बेटा, give, okay, और हमने खुद के लिए demand किया था कि मुझे give for demand. क्या यूज करते हैं बेटा गिव यानी कि आप बोलते हो कि मुझे पेंसिल दे दो तो कब बोलते हैं वी विल यूज हियर गिव पेंसिल ओके अगर आपको पेन डिमांड करना हो गिव पेन इरेजर चाहिए तो क्या बोलेंगे बेटा गिव इरेजर सो जस्ट वेरी सिंपल वी हैव टू यूज दिस वर्ड फॉर डिमांड खुद के लिए डिमांड करना हो तो प्लीज गिव मी यानी कि हम खुद के लिए डिमांड कर रहे हैं ऐसे ही कल आपको बताया था हमने कि अगर हमें दूसरों के लिए डिमांड करना हो सो एट द प्लेस ऑफ मी वी विल यूज दैट पर्सन नेम हुम वी आर डिमांडिंग फॉर ओके जिसके लिए हम डिमांड कर रहे हैं लाइक पापा के लिए मांगना हो पेन चाहिए पापा के लिए और मम्मा से मांगना हो तो हम कैसे बोलेंगे मॉम प्लीज गिव पापा क्या मांग रहे हैं पेन वेरी सिंपल ओके क्योंकि पापा के लिए मांगा था हमने किससे मांगा था मम्मा से मांगा था सो दैट विल बी स्पोकन इन दिस वे उसको कैसे बोलेंगे ऐसे बोलेंगे मॉम प्लीज गिव पापा पेन ओके ऐसे अगर हमें पेंसिल चाहिए सो एट द प्लेस ऑफ पेन वी विल यूज पेंसिल मॉम प्लीज गिव पापा पेन ओके सो दैट इज डिमांड फॉर अदर्स टुडे वी विल लर्न वन मोर न्यू थिंग आज हम एक और चीज सीखेंगे दैट इज How to offer something? भी आपने डिमांड तो कर लिया, भी आपसे भी कोई डिमांड करता है, तो हम उसको कैसे ऑफर करेंगे? Okay? So in today's topic we are going to learn about how to offer the things. Offer कैसे करते हैं? किसी को कोई चीज़ अगर हमें देना हो, तो वो कैसे देंगे? It is very simple बेटा. यानी कि पापा ने आपसे मांगा, पापा टीवी देख रहे हैं, और पापा ने आपसे बोला कि बेटा, please give me remote. तो आप उनको ऐसे चुपचाप पकड़ा देंगे दैट इज नॉट गुड मैनर्स ओके यू आर रिक्वायर्ड टू लर्न हाउ टू ऑफर द थिंग्स आल्सो आपको ये भी सीखना जरूरी है कि ऑफर कैसे करेंगे वेरी सिंपल फॉर ऑफर अगेन वी हैव वन की दैट इज क्या यूज करेंगे बेटा वी विल यूज टेक जैसे हमने गिव का यूज किया था हम ऑफर के लिए क्या यूज करेंगे टेक वेरी सिंपल ओके मान लीजिए पापा ने आपसे क्या मांगा है रिमोट मांगा है ओके क्या मांगा है रिमोट तो पापा को अगर रिमोट ऑफर करना है तो सबसे पहले क्या बोलेंगे पापा दो पापा इज यू नो रेस्पेक्टेबल पर्सन सो वी हैव टू यूज हियर प्लीज आल्सो पापा प्लीज ऑफर के लिए क्या बताया आपको टेक पापा प्लीज टेक क्या रिमोट अंडरस्टूड वेरी सिंपल डिमांड के लिए क्या यूज करेंगे गिव ओके जैसा मैंने आपको अभी बताया था डिमांड के लिए क्या यूज करेंगे गिव और ऑफर के लिए टेक अगर मान लीजिए आप आपके फ्रेंड्स हैं आपसे कोई भी चीज मांगते हैं क्लास में मान लीजिए क्लास में आपके फ्रेंड ने आपसे नोटबुक मांगी कि ब्रो गिव मी बुक तो आप उसको कैसे ऑफर करोगे प्लीज टेक बुक अंडरस्टूड In this way, very simple. You are eating pani puchka, okay? You are eating burger. You are eating chocolate. You have two chocolates, okay? Two chocolates हैं आपके पास, but chinki को नहीं मिली है. तो chinki को अगर आप offer करोगे, तो कैसे offer करेंगे बेटा? Chinki ने आपसे demand किया कि bro, give me chocolate. तो अब आपके turn आती है कि आप chinki को offer करेंगे. कैसे करेंगे? By using this thing, okay? Take use करेंगे. Chinky, please take chocolate. Understood?
लाइक दिस ओके। भी पापा ने मम्मा से मांगा, क्या मांगा? पराठा मांगा। तो आप क्या बोलोगे? आप नहीं बोलेंगे, मम्मा ऑफर करेंगे क्योंकि पापा ने मम्मा से मांगा है ओके। तो मम्मा बोलेंगे प्लीज टेक पराठा। आपने मांगा मम्मा से, आपने मांगा पराठा, तो आप बोलोगे मम्मा गिव मी पराठा। और मम्मा को कैसे ऑफर करेंगे? प्लीज टेक पराठा। अगर इसका अपोजिट करें भी, यू आर टेकिंग फूड, यू आर एट यू नो होम ओके, और मम्मा ने आपसे पानी का ग्लास मांगा, तो आप मम्मा को पानी का ग्लास कैसे ऑफर करेंगे बेटा? यू विल ऑफर मम्मा प्लीज टेक वाटर ओके। तो ऑफर किससे करेंगे? हम टेक से करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि डिमांड किससे करते हैं? गिव से करते हैं। तो ऑफर किससे होगा? टेक से होगा। वेरी सिंपल बेटा, जस्ट वी हैव टू शो आवर जेस्चर्स। हमें आना चाहिए कि फेस एक्सप्रेशंस कैसे होंगे हमारे ओके। सो दिस इज वेरी सिंपल, अंडरस्टूड? मोर एग्जांपल्स, आप मान लीजिए मार्केट में जाते हो ओके, आपने स्वीट्स खाए, लड्डू खाए, लेकिन शॉपकीपर अंकल ने मनी मांग ली, पापा के पास चेंज नहीं है ओके, और शॉपकीपर अंकल ने बोला कि गिव मी 50 रुपीज। तो अंकल को आप ऑफर करेंगे ना, कैसे करेंगे ऑफर? अंकल प्लीज टेक 50 रुपीज। अंडरस्टूड? आप बेटा टॉयज की शॉप पे जाते हो ओके, आपने एक बॉल खरीदी, अच्छी सी बॉल खरीदी ओके, बट ओके यू हैव टू पे नाउ मनी। अब आपको मनी देनी है तो कैसे ऑफर करेंगे? सिंपल थिंग विद टेक ओके, प्लीज टेक मनी। अंडरस्टूड? डिमांड करना हो तो क्या यूज करेंगे? यस, वी हैव टू यूज गिव। क्या यूज करेंगे? गिव। फॉर डिमांड वी हैव टू यूज दिस थिंग दैट गिव मनी। ऑफर करना हो तो टेक। क्या यूज करेंगे? टेक। सो वेरी सिंपल ओके। अभी आपने सीखा है कि ऑफर कैसे करते हैं। सम मोर एग्जांपल्स ओके, व्हेन यू गो टू स्कूल और व्हेन समबडी कम्स एट योर होम, जब कोई आपके घर पे आता है ओके, लाइक अंकल हैज कम एट योर होम, जैसे ही अंकल आपके घर पे आते हैं तो सबसे पहले अंकल को क्या ऑफर करेंगे बेटा? करना है आपको, हर रोज प्रैक्टिस करना है। पापा ऑफिस से आते हैं, आंटी पड़ोस से आते हैं ओके, ब्रो खेल के आता है, ग्रैंडपा बाहर से आते हैं, जॉगिंग करके आते हैं, वॉकिंग से आते हैं, तो आपको ऑफर करना है जो भी उनकी जरूरत की चीजें होती है ओके। तो पापा ऑफिस से आए हैं तो सबसे पहले पापा को क्या ऑफर करेंगे? चेयर ऑफर करेंगे। तो कैसे ऑफर करेंगे? वी हैव द सेम कीवर्ड दैट इज टेक ओके। पापा प्लीज टेक चेयर। अब पापा का फ्रेश होना, फेस वॉश करना है, तो पापा के लिए पानी लेके आएंगे, पहले पीने के लिए पानी लेके आएंगे ओके। तो पानी ऑफर कैसे करेंगे? वाटर। पापा प्लीज टेक वाटर। अंडरस्टूड? वाटर भी ऑफर कर दिया। आप क्या ऑफर करेंगे भाई? वेरी सिंपल, वी हैव टू ब्रिंग टॉवल ओके, बिकॉज पापा हैज टू वॉश द फेस एंड हैंड्स एंड दिस सम ऑफ द थिंग्स ओके। तो पापा को टॉवल ऑफर करेंगे, वो भी कैसे करेंगे? बाय यूजिंग दिस, पापा प्लीज टेक टॉवल। अंडरस्टूड? मोर थिंग्स, अब पापा को हाँ यू नो खाना खाना है ओके, तो पापा को खाना ऑफर करेंगे। कैसे करेंगे? खाना क्या होता है? फूड ओके। मान लीजिए आप पापा को शाम को खाना खाना है, दैट विल बी डिनर ओके। दोपहर में खाना हो, दैट विल बिकम लंच ओके। मॉर्निंग में खाना हो, दैट इज कॉल्ड ब्रेकफास्ट। अंडरस्टूड? सो यू हैव टू ऑफर अमंग दिस एनीथिंग। पापा को डिनर ऑफर करना है, ऑफर के लिए क्या बताया? अभी आपको बताया है वी हैव टू यूज टेक। क्या यूज करते हैं बेटा? टेक। चलो पापा को डिनर ऑफर करेंगे, कैसे ऑफर करेंगे? पापा प्लीज टेक डिनर। वेरी नाइस गुड ओके। लंच ऑफर करना है तो लंच कैसे करेंगे बेटा? सिमिलर ओके, पापा प्लीज टेक लंच। ब्रेकफास्ट कैसे ऑफर करोगे? अभी करना है ना, यू आर गुड स्टूडेंट, सो यू हैव टू यूज दीज थिंग्स ओके। पापा प्लीज टेक ब्रेकफास्ट ओके। नाउ यू आर गोइंग टू स्कूल, अब आप स्कूल जा रहे हो ओके, बट
योर टीचर यू हैव टू यू नो गो बाय बस यू हैव यू नो गेटिंग इन द बस बट देर इज नो सीट ओके एंड योर टीचर इज स्टैंडिंग इन बस अब आपके टीचर आपके बस में खड़े हैं तो बेटा दैट इज अवर मॉरल ड्यूटी अब टीचर को सीट ऑफर करना है कैसे ऑफर करोगे मैम प्लीज टेक सीट अंडरस्टूड ओके क्लास में हो तो मैम को क्या ऑफर करेंगी नोटबुक देंगे ना बिकॉज मैम कीप्स चेकिंग नोटबुक एंड बुक्स ओके योर होमवर्क तो मैम को ऑफर करेंगे मैम प्लीज टेक बुक लाइक दिस यू वी यूज दिस वर्ड फॉर ऑफरिंग एनीथिंग इफ यू हैव टू ऑफर एनीथिंग यू मे यूज दिस ओके डिमांड के लिए क्या बताया था गिव ऑफर के लिए टेक ओके सो दिस थिंग्स यू हैव टू यूज इन योर डेली रूटीन मोर देन 80% ओके अवॉइड Hindi speaking and just keep speaking these things. Okay, so that is enough for today. I hope you have got this point. I would like to give you some homework today. That your homework is when you go to sleep. जब आप सोने के लिए जाते हो. Okay. And you sleep with your grandma, grandpa. So you have to offer them some things like pillow, blanket, bed sheet. Okay, 90, whatever is there. So you have to practice for it at your home. So that's all for today. Have a good day. Be continue with these classes and bye-bye.